Hello, myself Dr. Ritika Dua, dietitian in Ayurveda. Since 16 years in Delhi, welcome to Nav Bharat Times. आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ, वेट लॉस डाइट प्लान। ये सब की रिक्वायरमेंट थी मेरे सारे क्लाइंट्स की, बहुत सारी इंक्वायरीज एंड बहुत सारे क्वेश्चंस कि मैम कोई एक अच्छा सा वेट लॉस इंडियन होममेड डाइट प्लान बताओ। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वेट लॉस इंडियन होममेड डाइट प्लान। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर आपका वेट दोबारा वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये इंडियन होममेड डाइट है। तो जो हम घर की चीजें खा रहे हैं, जो घर की चीजें ले रहे हैं, उन्हीं से ये डाइट होगा। इस डाइट के अंदर इंक्लूडिंग होगा आपका प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर एंड फैट। और बस इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें सिर्फ खाली हमें अपने फैट कैलोरीज को डाउन रखना है और घर की ही सारी चीज़ें जो घर की होममेड चीज़ें हैं उन्हीं से डाइट बनाना है। और मेरा थर्ड टॉपिक इसके अंदर मेन रहेगा कैलोरीज बेस्ड डाइट, क्योंकि हम डाइट तो कर रहे होते हैं बट हमें पता ही नहीं होता हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और कितना इनटेक कर रहे हैं। तो ये सबसे मेन चीज़ ये है कैलोरीज बेस्ड डाइट, क्योंकि अगर हम अपने कैलोरीज का ध्यान रखेंगे तो वेट लॉस तो होगा ही होगा, 100% होगा। तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि मेल पर्सन की जो कैलोरीज होती है वो 1500 होती है और फीमेल्स की जो कैलोरीज होती है वो 1200 होती है। आगे चलकर इन्हीं कैलोरीज को हम थोड़ा सा कम करते जाते हैं जिनसे वेट आगे लेस देन होता रहता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिकली होम मेड इंडियन वेट लॉस डाइट प्लान। तो क्या करना है डियर आपको, सबसे पहले इसके लिए कुछ नहीं, जो भी घर की चीजें हैं उन्हीं से हम डाइट करेंगे। फर्स्ट रूल ये है, और रोज मॉर्निंग में अपना वेट चेक करना है एम्प्टी स्टमक, पूरा फुल डे अपना वेट चेक नहीं करना है, एम्प्टी स्टमक ही अपना वेट चेक करना है सुबह उठकर खाली पेट फ्रेश होने के बाद। और अपने दिन की जो शुरुआत है वो चाय और कॉफी इन सबसे नहीं करनी चाहिए। अब हमें कैसे करनी है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। और हमारा जो ये डाइट प्लान होगा ये 5 मील प्लान होगा, जिसके अंदर 3 जो होंगे मेन कोर्स होंगे और 2 शॉर्ट ब्रेक्स होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस डाइट को करने के लिए। तो सुबह उठे और मैं इस डाइट को करते समय आपको काफी ऑप्शंस भी दूंगी। अगर आप डे बाय डे, आप जैसे वीकली प्लान है, मंथली प्लान, 3 मंथ्स का प्लान, इसको ऐसे चला सकते हैं जिससे आप अपने ऑप्शंस को चेंज करते रहेंगे। मैं आपको काफी ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस, लंच के ऑप्शंस और डिनर के ऑप्शंस दूंगी ताकि आपको ये डाइट करते समय कोई भी दिक्कत ना हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो शुगर वाले क्लाइंट होंगे वो इस डाइट को करते समय बस हनी और किसी भी शुगर वाली चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। और पीसीओडी और पीसीओएस जो आजकल बहुत मेन चल रहा है, जिन भी लेडीजों को ये प्रॉब्लम होती है उनको एनिमल मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं करने चाहिए, उनको आलमंड का मिल्क फ्री यूज करना होगा इस डाइट के अंदर। जैसे अगर मैं दूध कॉर्नफ्लेक्स दे रही हूँ तो आलमंड मिल्क के अंदर उनको यूज करना है। तो अब डाइट स्टार्ट होती है अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, जब भी आप उठें अपने दिन की शुरुआत किसी भी चाय और कॉफी से नहीं बल्कि एक अच्छे डिटॉक्स वाटर से करना है। डिटॉक्स वाटर में मैं आपको 3 से 4 ऑप्शंस दे रही हूँ। फर्स्ट जीरा और सौंफ वाटर। जीरा हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है, सौंफ ब्लोटिंग को रोकता है। सेकंड सिनेमन पाउडर, सिनेमन यानी कि दालचीनी का पानी। दालचीनी के अंदर आप हनी एंड लेमन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सिनेमन हार्ट वालों के लिए, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए और जिनका हार्मोन्स अनबैलेंस रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। थर्ड धनिया का पानी यानी कि कोरिएंडर वाटर। धनिया का पानी थायराइड वाले पेशेंटों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। फोर्थ मेथी दाने का वाटर। मेथी दाने को रात को सोक कर लीजिए और सुबह उठ के उसको बॉयल करके गर्म पानी में ले लीजिए, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा। ये सारी चीजें हमें, लेकिन हमें पीनी किस में, गर्म यानी कि ल्यूकोम वाटर में लेनी है। क्लियर है, ये हमारे डिटॉक्स वाटर रहे जो सुबह उठ के हमें इनमें से कोई भी एक ऑप्शंस को पिक करना है। इसके अलावा आप आंवला और एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं। आंवला विटामिन सी का सोर्स होता है और एलोवेरा बीपी पेशेंटों के लिए एंड जिनको भी कैलेस्ट्रोल की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी अच्छा है। इसके अलावा ग्लोई, वीट ग्रास,
पांच जूस का भी वाटर आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस, और इस समय कोरोना में तो वो आपके इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इनमें से मैंने आपको 5 से 6 ऑप्शन दिए, जिनमें से कोई भी आप डिटॉक्स वाटर सुबह उठकर खाली पेट ले सकते हैं। ये सब आपने सुबह उठ के गर्म पानी में लेने हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट टाइम उठने का डाइट करते समय एक नियम का प्लीज पालन करें कि आपको सुबह टाइम से उठना है और टाइम से सोना है। उठने का समय 7-7:30 यही रखें और सोने का टाइम 10-10:30-11, लास्ट टू लास्ट 11:30 बजे तक आप अपने बेड पे सो जाएं। तभी आपका एक अच्छा वेट लॉस होगा और तभी आप एक अच्छा वेट लॉस फॉलोअप कर सकेंगे, क्योंकि डाइट के साथ साथ आपको करनी है 40 मिनट्स की एक्सरसाइज या वॉक या डांस या एरोबिक्स, कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। आप अभी जैसे आउटसाइड नहीं जा सकते इस टाइम पे, तो आप घर में ही रह के 40 मिनट्स की एरोबिक्स या डांस या स्किपिंग कुछ भी एक्टिविटी ले सकते हैं। एक्टिविटी का टाइम हम सुबह या शाम कोई भी एक टाइम पे रखेंगे, जो आपको कन्वीनियंट होगी वही रहेगी। लेकिन याद रखें, जब भी आप कोई एक्टिविटी करें आप खाली पेट होने चाहिए, और आधा घंटा आपने खाया मतलब आपका पेट खाली होना चाहिए। अब आ जाता है ब्रेकफास्ट टाइम। हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम रहेगा 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, इन बिटवीन आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। और हमारा ब्रेकफास्ट में कैलोरीज जो रहेगी वो 250 से 300 तक की कैलोरीज रहेगी। कई लोगों को चाय पीने की बड़ी आदत होती है, तो हम चाय को भी 1 कप चाय फुल डे में अलाउड करते हैं, 1 से 2 कप चाय ले सकते हैं। बट चाय में ध्यान रहे कि चीनी का कट आउट करना पड़ेगा। अगर आपको साथ में चाय में कुछ साथ में लेने की आदत है, तो रोज सुबह 5 बादाम और 2 अखरोट की गिरी सोक्ड करी हुई ये आप अपने चाय के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। और अब आप ब्रेकफास्ट में जो ऑप्शंस रहेंगे वो घर के होममेड, जैसे आप ले सकते हैं मसाला ओट्स सैंडविच, स्प्राउट्स, ओट्स की स्टफ रोटी, बार्ले की रोटी या गोभी की रोटी या रागी का चीला, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, ये काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं ब्रेकफास्ट के। और इनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी या स्लिम टी, जो भी आपको अवेलेबल मिले घर में वो आप ले सकते हैं। हमें कम से कम दिन में 2 कप ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी या स्लिम टी ऐड जरूर करनी चाहिए, तभी हमारा मेटाबॉलिज्म हाई रेट पे जाता है। ब्रेकफास्ट का सिर्फ हमारी कैलोरीज 300 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अब आगे आ जाते हैं हम सीधा मिड ब्रेक शॉर्ट टाइम, जो होता है फूड ब्रेक टाइम। फूड ब्रेक में आप जैसे एप्पल, पियर, मौसमी, ऑरेंज, गुआवा, पपाया, पाइनएप्पल, कीवी, लो शुगर फूड्स का ही यूज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम सीजनेबल फूड्स खाएंगे जो सीजन के अकॉर्डिंग है। जैसे अब थोड़ी सी विंटर्स आने वाली है, तो एप्पल, पपाया इस टाइम पे बहुत इजीली अवेलेबल होगा, तो आप वो ले सकते हैं। अगर जैसे समर्स हैं तो इस टाइम पे आप नारियल पानी, लस्सी, बटर मिल्क, नींबू पानी, इन सब का भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम मेन कोर्स में। मेन कोर्स रहता है हमारा लंच टाइम। लंच हमें प्रॉपर मील करना चाहिए और लंच का टाइम 1:30 से 2:30 बजे के बीच में रहना चाहिए, इसके बाद लंच टाइम नहीं रहना चाहिए। 3 बजे के बाद सूरज ढलने का समय स्टार्ट हो जाता है, तो 3 बजे के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो रेट पे चला जाता है, तो हमारा लंच हमेशा 1 से 2:30 के बीच में ही रहना चाहिए। और लंच में हमें कम से कम 350-400 तक की कैलोरीज रखनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं। हो सके तो थोड़ी कम कैलोरीज का ही लंच लें। लंच लेकिन प्रॉपर होना चाहिए, 1 से 2 रोटी जितनी आपकी भूख हो। आप ओट्स की चपाती ले सकते हैं, मल्टीग्रेन की रोटी ले सकते हैं, आप रागी की रोटी ले सकती हैं, ज्वार की रोटी ले सकती हैं, आप बेसन की रोटी ले सकती हैं, तो 1 से 2 जितनी भी आपकी भूख हो। साथ में 1 बाउल 200 ग्राम की सब्जी तक आप यूज कर सकती हैं, या सब्जी या दाल, आइदर जो आपको कन्वीनियंट लगे। 100 से 200 ग्राम तक की आपकी कर्ड होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। और 1 प्लेट सलाद यानी कि 100 ग्राम आपकी सैलेड होनी चाहिए। सैलेड के ऊपर नमक का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर मील रहेगी लंच में। लेकिन लंच में ध्यान रहे, पापड़ और अचार इस तरह की कोई भी चीज़ आपके डाइट में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा
मिड इवनिंग ब्रेक टाइम, जो एक शॉर्ट ब्रेक टाइम होता है जिसके अंदर आप यहाँ पर आप अपनी चाय ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। जैसे शाम को लोगों को स्नैक्स लेने की आदत है, तो स्नैक्स के रूप में आप एक कटोरी मखाने खा सकते हैं, वन कटोरी स्प्राउट्स ले सकते हैं, या वन कटोरी भुने हुए चने ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 150 ग्राम तक, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि हमारी डाइट मेन कैलोरीज बेस्ड डाइट है, क्योंकि आप कैलोरीज से ऊपर लेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। अब हम चलते हैं मेन डाइट डिनर में। डिनर में हमेशा ध्यान रहना, डिनर 8:30 बजे तक, वैसे हमारा डिनर 7:30 बजे तक फिनिश हो जाना चाहिए, बट आजकल लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा लेट हो चुका है, लोग काम पे जाते हैं, देर से आते हैं ऑफिसों से, तो हमें डिनर 8:30 बजे तक लास्ट टू लास्ट कंप्लीट फिनिश कर देना चाहिए डिनर में। लेकिन हमेशा ध्यान रखें डिनर जितना हो सके सॉल्ट फ्री करें, बट जिनको बीपी लो की प्रॉब्लम है वो सॉल्ट फ्री ना करके हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट का यूज कर सकती हैं। ठीक है, डिनर में जैसे पनीर टिक्का, पनीर सैंडविच, ढोकला एंड आपका ब्रांड की स्टफ रोटी, प्याज की रोटी एंड मूंग दाल का चीला, दाल का सूप, वेजिटेबल सूप, सॉटी वेजिटेबल्स, और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो एग, चिकन्स, रोस्टेड चिकन, चिकन टिक्का, इन सबको भी इंक्लूड कर सकते हैं। और डिनर करने के बाद आता है लेट नाइट 9:30, हमें 11 o'clock तक सो जाना चाहिए अगर हमें अच्छा एक वेट लॉस करना है। तो 9 से 10:30 के बीच में जो हमको मेन चीज़ है डिटॉक्सिफिकेशन, जब तक बॉडी डिटॉक्सिफाइड नहीं होगी तब तक वेट लॉस नहीं होगा। तो डिनर करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आप कोई ना कोई, जैसे सौंफ, जीरा का पानी, त्रिफला का पाउडर, डिटॉक्स वाटर, कोई ना कोई जरूर लेना है जिससे बॉडी क्लीन अप हो, सुबह उठ के आपको अच्छे से क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि अगर बॉडी में क्लीनिंग होगी तभी वेट लॉस होगा। आपको ये डाइट करके बहुत ही अच्छा लगेगा, 100% मैं गारंटी देती हूँ आपका वेट लॉस होगा। और आप प्लीज़ इस डाइट को फॉलोअप करें, आपकी बॉडी फिट, स्लिम, स्मार्ट बनेगी। क्योंकि कहते हैं कि जब पतले होते हैं तो अपने आप में एक सुंदरता आ जाती है, एक स्मार्टनेस आ जाती है। प्लीज़ आप इस डाइट को करें और अपने अंदर एक कॉम्प्लीमेंट्री लाएं, स्लिम रखें, फिट रखें, क्योंकि ये आजकल वेट लॉस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट वेट लॉस हमें काफ़ी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड डियर आपकी अगर इस डाइट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरीज होती है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें या मुझे मैसेज करें।